क्या हुआ, इधर आओ। ये बहुत वेट कर रहा है, क्या हुआ डुगु? इसमें क्या है? कहाँ पे? इसमें कुछ भी नहीं है। मोबाइल में? मोबाइल चाहिए? हाँ। फोन इसको पता है क्योंकि आज दिन भर इसको फोन नहीं दी ना मैं। मैं बोली न्यू फोन आएगा तब वो यूज करना। खोल के देखना। अब मतलब ये ओपनिंग करेगा, ठीक है करो। पढ़ाई कर रहा था पूरा, गोचम गाची किया है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तुम इन दोनों को नहीं आया देख रहा है? मैंने देखा था। इसको ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैंने देखा था अभी वो मारता। हाँ देखे थे। हाँ? ये देखो फाइनली। हाँ, इसका अलग से नहीं, इसका थोड़ा ब्लू में के लाइट के वजह से स्काई ब्लू में है। मेरा स्काई कलर लाइट ग्रीन है। पापा इनमें क्या? इसको गेम का वेट है। अरे ऐसे ये अलग है, ये तुम रुको एक मैं बताता हूँ आपको। मुझसे ज्यादा इनको एक्साइटमेंट है, आपको है ना? इनको लगता है मैं फोन ले लूं। मत मांगत रहो। सो फाइनली मेरा न्यू फोन आ गया है और मैंने कोई आईफोन वगैरह तो नहीं लिया, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिन से सर्च कर रही थी कि कुछ अच्छा सा लॉन्च हो, बट ये जैसे ही लॉन्च हुआ फर्स्ट लॉन्चिंग में मैंने बुक कर दिया और आज मेरे को आ भी गया। जस्ट एक दिन में डिलीवरी इसकी मिल गई तो अच्छा भी लग रहा है कि मेरे जितने बजट में अच्छा फ़ोन मिल गया। मतलब इतना भी सस्ता नहीं है, बट ठीक है, मैं वो बताऊंगी नहीं क्योंकि आजकल तो जो भी है फ़ोन है जो भी है आप नेट पे सर्च कर सकते हो कौन सा फ़ोन कितने का है। तो आप लोग ने देख ही लिया कौन सा मेरा फ़ोन है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। बट अच्छा लग रहा है, इतने दिन से मैं काफ़ी सोच रही थी ना कि सच में, बहुत लोग मुझे बोल रहे थे क्लियरिटी क्लियरिटी, बट ठीक है जैसा जितने दिन तक जैसा चल रहा था वैसे ब्लॉग बना रही थी। बट कोशिश अब कर रही हूँ कि और अच्छे से वीडियो ले सकूँ, तो अब जाके मेरा ये हो गया। आप लोग अगर चाहेंगे हेल्प करेंगे, या वो भी एक दिन आ जाएगा कि आईफोन से मैं वीडियो बनाऊं, बट ठीक है ज़रूरी नहीं है सारे व्लॉगर आईफोन से ही बनाएं। मेरा भी जब मैं सोचूंगी वो भी आ जाएगा, बट अभी के लिए ये ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। सो मैं व्लॉग अभी शुरू कर दे रही हूँ बिकॉज पूरा दिन है, क्या कुछ होता है मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी नहा के हो गया, मैंने चेंज कर लिया और मैं अक्सर घर पे हूँ तो यही टी शर्ट पहनती हूँ, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। तो बस और नहाते ही मेरी बहन ने बना दिया है गरम गरम सैंडविच, तो अच्छा लगता है ठंडी के। वैसे तो सैंडविच सबको पसंद है और हर सीज़न में सब खाते हैं, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और आज नाश्ते में यही बनाया है। रुको मैं दिखाती हूँ। सो आइए आप लोग भी इंजॉय करिए। मैंने एक्चुअली एक बाइट खा ली, फिर याद आया ब्लॉग शुरू कर दूँ, उसके बाद पूरा दिन क्या कुछ होता है वो बता दूंगी, तो बस इसीलिए। चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ। सो मॉर्निंग के सैंडविच के बाद दोपहर के खाने में बना था बिरयानी, क्योंकि सबको दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा था इसलिए। सो गाइज अभी मैं ऑनलाइन आई हूँ क्योंकि दिन भर मेरा कुछ प्लान था, बहुत कुछ प्लान था कि उसमें वो भी वो सारी कुछ मैं करूँगी, बट जो करने नहीं मिला कि नहीं मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो तुमको ये सारी चाबी मतलब डिस्चार्ज होके आई हो रिसेंटली, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए एक्चुअली ये गए हैं दोपहर, आज इन्होंने ऑफ लिया हुआ था, सैटरडे है और आज है 14। तो बहुत दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ एक्चुअली ना, बहुत सारी क्लिप्स थी मेरी तो मेरे वो फ़ोन में थी, तो मेरे को वो एडिट करने का एडिट एक्चुअली हो चुका था, बस अपलोड करना था तो इम्पोर्ट नहीं हो रहा था, मैं मतलब जो मैंने एडिट किया हुआ था तो वो सारा कुछ नहीं हुआ था। तब से मेरा फ़ोन न्यू के लिए आ गया तो वही लेके चले गए एक्सचेंज, मतलब वो फ़ोन चला गया तो ये मिला, तो उसमें सारे क्लिप्स चले गए, मतलब फॉर्मेट हो गया तो वो क्लिप्स चले गए, तो इसलिए व्लॉग बहुत दिन बाद मतलब मैं ये अब अपलोड करूँगी। सो आज बहुत कुछ था करने को, इवन मैं आपके साथ दिखाती शेयर करती, बट वो सारी चीज़ें करते टाइम मैं नहीं थी, मैंने इनको बोला था, ये बोले मैं चले जाऊँगा अकेले कर लूँगा सारा कुछ। तो एक्चुअली ये करना था ना कि मेरे घर कल पूजा है, मतलब रुद्राभिषेक है, काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे बट नहीं हो पा रहा था और मेरे बीच में फिर तबीयत ख़राब हो गई, फिर ये हुआ कि अभी खरमास भी चालू हुई तो पूजा होगा नहीं, तो बस इसीलिए
तो अब जाके सबसे खरमास के बाद सबसे पहला शुभ मुहूर्त आया है, सो इसीलिए हम लोग ने फर्स्ट जैसे ही खरमास खत्म हुआ तुरंत अच्छे शुभ मुहूर्त पे पूजा रख दिया, रुद्राभिषेक तो वो है, तो वो सारी चीज़ों के लिए मतलब रुद्राभिषेक कैसे अच्छा से मतलब बहुत अच्छे से होने वाला है, जितना हम लोग ने सोचा नहीं था ना उतने अच्छे से हम लोग ने प्लान किया रुद्राभिषेक करने का, तो वो सारा कुछ होगा। उसके लिए काफ़ी कुछ तैयारियाँ करनी थी, बहुत सारी शॉपिंग्स करनी थी, तो वो सारा कुछ ये कर रहे हैं। मतलब 12:30 बजे से निकले बट अभी तक घर नहीं आए, मतलब मम्मी के घर नहीं आए, ये क्या कर रहे हैं ना, अकेले है ना बेटा, शांत रहो। तो ये क्या कर रहे हैं ना, सारा कुछ खरीद के डायरेक्टली घर पे रखते जा रहे हैं, क्योंकि पीछे बैठने के लिए कोई है नहीं, और बच्चे हैं कॉलेज गए हैं स्कूल गए हैं खुशी वगैरह सक्षम ये सारे लोग। धैर्य, रुको रुको, मम्मा बोल रही है ना, फिर तुम बोलना, ओके। तो ये सारा कुछ ये अकेले कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाके घर पे रख रहे हैं शॉपिंग करके, तो बस इसीलिए मैं तो जा नहीं पाई, मुझे नहीं लेके गए, तो बस वहीं से वहीं रख रहे हैं। अब शाम हो गई, अभी तक आए नहीं है, अभी आएंगे तो सारा कुछ तो रख दिए हैं, बट जो कुछ कुछ चीज़ें मैंने बहुत दिन से खरीदते मतलब दीदी से मंगवाई थी, तो अभी मैं जाऊंगी अपने घर, एक्चुअली आज ही चली जाऊंगी, कल व्रत है, सॉरी व्रत नहीं पूजा है कल, तो इसलिए शाम को चली जाऊंगी, क्योंकि सुबह यहाँ से कब धैर्य उठेगा, कब मैं जाऊंगी, करना तो मुझे कुछ नहीं है, सारा कुछ यही करेंगे, क्योंकि नहीं करने दे रहे हैं, डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा आराम करने के लिए बोला, क्योंकि अभी जस्ट डिस्चार्ज होके आई हूँ, तो इसीलिए बोल रहे वापस हॉस्पिटल नहीं भेजना है, तो इसीलिए नहीं करने दे रहे, ये कर रहे हैं, फिर खुशी लोग भी हेल्प कर दे रहे हैं, तो वो सारा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने इनको बोला कि जितनी शॉपिंग करना जो भी करना रिकॉर्ड कर लेना, बट पता नहीं किए हैं कि नहीं किए, अभी तो बेचारे बिजी हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा कॉल भी नहीं कर रही हूँ। तो अभी जाऊँगी अपने घर, जैसा रहेगा जो भी चीज़ें खरीदे होंगे वो मैं सब दिखाऊंगी, फिर इतने दिन से घर भी बंद था तो वो साफ़ सफाई इन्होंने की होगी, मतलब किए बेचारे, बहुत खुशी भी हेल्प की है बट वो भी की है, मेरे को करने नहीं मिला है। तो चलिए मैं बहुत दिन बाद अपने घर जाऊंगी आज, तो बस आज चली जाऊंगी, कल रहूंगी, परसों फिर परसों आ जाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा बात कर ली, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, रात को ना मम्मी के यहाँ से ना टेरेस से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, दिखाती हूँ। क्या हुआ, खेल लिए? क्या कर रहे हो? अच्छा मेरा बच्चा, खेल लिए? और जाओ खेलो दीदी के साथ। नहीं। क्यों? अच्छे। क्या हुआ? दीदी देखो कितने अच्छे से खेल रही है, तुम्हारा वेट कर रही है ना अधीरा? हाँ। क्या कर रही हो आद्या? बैठो। तुम लोग क्या खेल रहे थे अभी? पापा पापा क्या खेल रहे थे? पापा का पापा पापा। अच्छा घर घर खेल रहे थे? हाँ। वाह मजा आई। हाँ। तुम लोग तो रनिंग भी लगाए ना? हाँ। स्कूल में स्पोर्ट्स चालू है ना? हाँ स्पोर्ट जो चीज चालू है स्पोर्ट चालू है। क्या चालू है डुगु? स्पोर्ट स्पोर्ट नहीं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स दोनों अलग अलग। मम्मा बोर्ड की डेट मेरे को टीचर बोर्ड ही कहते और बैठी हम स्पोर्ट्स दो लेते। अच्छा और माना वीडियो ले दी थी ना? अच्छा मैं चोरी से वीडियो ले रही थी और इसको पता था और बोल रहा आप मेरा वीडियो ले रही थी ना। सो अभी मैं आ गई अपने घर फाइनली, पूजा की तैयारी देखिए सब सामान रखे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आप सबको अच्छे से, ये देखिए।
अभी हो रहा है सुबह का वक्त और ये गए हैं हार फूल लाने, मतलब जो भी जितने भी फूल, तुलसी और बेलपत्र, मतलब जो भी फूल का जो क्वांटिटी था वो ज़्यादा था। तो इन्होंने बोला मैं डायरेक्टली फ्रेश फूल लेके आता हूँ जहाँ से मेन मार्केट है, तो वहाँ गए। मैंने थोड़ा बोला रिकॉर्ड करने के लिए, बट अगर पॉसिबल हो पाए तो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। और क्योंकि मैं नहीं जा पाई इसीलिए उनको सारा कुछ बोल रही हूँ, बट कल पता है सब कुछ खरीदे बट रिकॉर्ड नहीं किए। तो यहाँ पे पंडित जी के लिए मैंने फरहार के लिए साबूदाना भिगो दिया और ये मार्केट गए थे तो फाइनली आज रिकॉर्ड कर लिए थे फूल के मार्केट में। फूल का मेन मार्केट है, यहाँ पे भाजी वगैरह भी मिलती है। तो ये फूल लेके आ गए, तो चलिए मिलते हैं आगे कंटिन्यू व्लॉग में।